ये जो मेरे हॉस्टल के पास बस स्टॉप है, इसका नाम है जोगिंदरबर्ग। ये हमारे हिंदू और सिख भाई जो हैं उनके नाम पे इन्होंने रखा है। बादल काफ़ी गहरे आ चुके हैं तो बारिश का भी चांस है, पर मौसम इतना ठंडा नहीं है, बड़ा प्लेजेंट सा है। ये पेरिस और बाकी यूरोपियन जगहों की तरह आपको यहाँ पर भी लव लॉक्स नज़र आएंगे, तो ये आप अपने लॉक लेके ताला लगाएं और चाबी फेंक दें तो आपका प्यार जो है वो कायम रहेगा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग और अजीब सी ट्रेडिशन है, बट देखें तो काफ़ी काफ़ी ताले लगे हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। जी ये बारिश स्टार्ट हो गई है क्योंकि बादल वगैरह काफ़ी आए हुए थे तो बारिश तो होनी थी। आप भी बस निकलें कभी तो टूर पे तो दुआ किया करें कि बारिश ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि घर पे रहने के लिए बारिश ठीक है इंजॉय करने के लिए, बट जब आप सड़कों पे फिर रहे हो तो बारिश काफ़ी तंग करती है, सो ना ही हो तो बेहतर है। ट्रेन मैंने ले ली है तो ये यहाँ से चलेगी, ज्यूरिख का जो मेन स्टेशन है, और ये चार स्टेशन से होती हुई यूट्यूबर्ग जाके रुकेगी। देखें यहाँ से व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बादल बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं हमारे, ये देखें तो। और ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है यूटलबर्ग का, ये थोड़ा थोड़ा आपको सिमरन और राज ने जब ट्रेन मिस की थी DDLJ में उसकी याद दिलाएगा। तो वो भी ऑल द स्विट्ज़रलैंड में ही था, बट वो ये जगह नहीं है, यहाँ स्टेशन ऐसे ही हैं सारे। यहाँ पे आके अब मुझे ज़रा फील हुआ है कि कोई हिली स्टेशन आया, क्योंकि इससे पहले पूरे यूरोप में जब मैं फिरता रहा हूँ तो सारे जो हैं वो मैदानी इलाके थे, कोई हिली स्टेशन नहीं था। यहाँ आके ज़रा फील हुआ है, फ़िज़ा थोड़ी सी और फ्रेश हो गई है और साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी हालाँकि मैं मेन पॉइंट पर नहीं गया, अभी मैं ढूँढ रहा हूँ कि वहाँ कैसे जाएँगे, क्योंकि ये जो है ट्रेन स्टेशन है, ये तो रास्ता बंद है यहाँ से पैदल के लिए, मैं फिर उधर से घूम के ऊपर से आता हूँ, तो बहुत अच्छी फील है बट एरिया की, इतना रश भी नहीं है विच इज़ गुड। अब ये नीचे भी पॉइंट जा रहा है, पता नहीं अभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या है, हाँ प्राइवेट लिखा हुआ है। चलो मैं फिर ऊपर से घूम के आता हूँ। ये एक रास्ता जा रहा है ऊपर, ये कुछ कुछ जो है वो मागला में जो ट्रैकिंग ट्रेल्स बनी हुई हैं उसकी याद दिला रहा है, मौसम भी वैसा है थोड़ा थोड़ा और ये जगह भी थोड़ी वैसी है, देखते हैं चल के। इस वक्त अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल बादलों के दरमियान में खड़ा हूँ, ये जो हेजी सा हो रहा है ये बादल हैं और ये बस पास से गुजर रहे हैं। ये देखिए कितना हेजी हुआ हुआ है, धुंधला सा हुआ हुआ है बादलों की वजह से, स्क्रीन में इतना नहीं पता लग रहा बट असल में बहुत धुंधला है और आपको फील हो रहा है जिस तरह आप धुंध में सांस लेते हैं बादलों में सांस लेते हैं जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में भी जाते हैं,
तो वही वाली फील इस वक्त आ रही है आसपास में भी। ये देखें, ये बिल्कुल गलियात वाली फील है अभी तक। जिस तरह आप गलियात में ट्रैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं या मेन रोड्स पे चल रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है। ये यहाँ पे एक होटल है, मेरा तो मूड था कि यहाँ कुछ कॉफ़ी वगैरह लेके बैठूँगा और ये वाला व्यू जो है ना वो इन्जॉय करूँगा। ये देखें, ये पूरा आपको ज्यूरिख नज़र आएगा यहाँ से। बट आई गेस होटल तो बंद है, तो वैसे फिर खाली व्यू ही इन्जॉय करते हैं। बंद होना तो नहीं चाहिए। गोडेस किटस रह चुके हैं फुल टाइम। ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ और वो सीढ़ियाँ, एक सीढ़ियों का सामना था मुझे, वो क्या मुनीर नियाज़ी का शेर था, वैसा ही हाल है ये। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद ऊपर तो खैर काफ़ी सेटअप प्रॉपर बना हुआ है। ये होटल वगैरह है, वो मेरा ख्याल ठहरने की भी कोई जगह होगी शायद, और यहाँ से आप कोई चाय कॉफ़ी कोई ड्रिंक ले सकते हैं। और ये भी इन्होंने कोई ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ही बनाया हुआ ऊपर तक जाने के लिए, तो वहाँ से ऊपर से व्यू लें। काफ़ी अच्छा सेटअप है, लोग तो ना होने के बराबर है शायद, में भी होटल वगैरह बंद ही पड़े हैं शायद इसलिए, अदरवाइज तो यहाँ पे काफ़ी रश होना चाहिए। बादलों की वैसे फील तो अच्छी आ रही है बट व्यू कुछ नहीं मिल रहा। सो बादल वैसे ना ही होते अभी तो अच्छा था, तो मुझे नीचे से व्यू तो मिलता ना। अभी मैं सिर्फ बस बादल देख रहा हूँ, नीचे से कोई शहर का व्यू नहीं आ रहा। ये पीने का पानी भी है यहाँ पे, तो देखता हूँ कैसा है। अच्छा, ठंडा और मज़ेदार पानी था, रिफ्रेशिंग। अब मैं वापसी का सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि बादल ही बादल हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है, फील में बहुत मज़ा है बट व्यू में मज़ा इतना नहीं है क्योंकि कुछ नीचे नज़र नहीं आ रहा, बादल ही बादल छाए हुए हैं। बादलों में चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं है। हो ट्रिब्यूट टू द ग्रेट सज्जाद अली। कॉफ़ी का इरादा मैंने फिर तर्क कर दिया, तो ये यहाँ पे एक इनका लोकल लेमनेड है सिट्रो एलमर, सो इसको देखते हैं कैसा है क्योंकि प्यास भी काफ़ी लग रही है चल चल के। तेज़ है काफ़ी, रिफ्रेशिंग भी गुड। शनास, ये जो 90s के किड्स हैं उनको मेरा ये रेफरेंस पता लग जाएगा। बादल चेक करें आप, बहुत ही गहरे बादल हैं ऊपर अभी थोड़े हल्के हैं, ये ज़रा नीचे हैं, तो थोड़ी देर में चांस है बारिश का काफ़ी। तो मैं बस अब निकल रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, जाके अब थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि कल रात से भी मैं निकला हुआ हूँ ट्रांजिट में
5 ट्रांसिट करने पड़े, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और मैं यहाँ आके भी मैंने सामान रखा, मुँह हाथ धोया और मैं निकल गया था। तो अब जाके ज़रा रेस्ट करता हूँ, नींद का थोड़ा साइकिल सेट हो जाए, सुबह फिर मेन अप टूर स्विट्ज़रलैंड का स्टार्ट होगा। ज्यूरिख में वैसे भी ओल्ड टाउन देख लिया, ये यूटलबर्ग का एरिया देख लिया, काफ़ी है अभी के लिए। तो अभी जाके हॉस्टल थोड़ा रेस्ट करते हैं, प्लस मैंने वैसे भी कुछ बुकिंग्स करवानी है, एक दो बस या ट्रेन की करवानी है आगे के लिए, और एक दो मैंने रहने के लिए भी बुकिंग करवानी है आगे, क्योंकि मैं वहाँ से सब करके नहीं आया था, मैं साथ साथ करवाता भी जा रहा हूँ, और ताकि फिर, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपका प्लान कब क्या हो, क्या चेंज हो जाए, तो सारी शुरू में करवाने का कोई तुक नहीं है। तो मैं अभी निकलता हूँ और हॉस्टल जाता हूँ, और आपसे अब मुलाकात होगी सुबह।